तो दोस्तों चाइना में बहुत ही जल्द मी सी सी 9 लॉन्च होने वाला है और अब इसका एक हैंड्स ऑन फोटो और फुल स्पेसिफिकेशन लिस्ट हो चुका है। और दोस्तों कुछ लीक्स और रूमर्स ऐसा है कि यह फोन इंडिया में MIUI 3 करके आने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर इसके स्पेसिफिकेशन शीट को देखें तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन के 700 सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है और उसके साथ ही यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और ट्रिपल रियर कैमरा का स्लॉट देखने को मिलने वाला है, जिसका प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का होने वाला है। और कुछ दिनों पहले ही मन्नू कुमार जैन MI इंडिया के CEO ने भी यह कन्फर्म किया था कि इंडिया में आपको 48 मेगापिक्सल के और भी फोन देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों इससे तो यही लगता है कि लीक्स और रूमर्स जो निकल के आई है वो सब सही है कि ये फोन इंडिया में MIUI 3 करके आने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल्स बताते हैं इसी फोन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन और डिस्प्ले से। तो यहाँ पर आपको एक ग्लॉसी ग्रेडिएंट फिनिश देखने को मिलने वाली है बैक साइड में, जो कि ग्लास बैक के साथ आएगी। साथ ही में यहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा का स्लॉट भी देखने को मिलने वाला है, जिसका प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का सोनी के IMX586 का हो सकता है। साथ ही में सेकेंडरी कैमरा 30 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि एक वाइड एंगल लेंस होगा। और उसके साथ ही में आपको यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है। वहीं बात करें इसके फ्रंट की, तो यहाँ पर आपको 6.39 इंच की एक फुल HD प्लस स्क्रीन देखने को मिलने वाला है, जो कि 32 मेगापिक्सल के एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आएगी। और साथ ही में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट फ्रंट में देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत ही बेहतरीन होगी। और ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों कि इस स्मार्टफोन में रेडमी के K20 की तरह ही एक 6th जनरेशन का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला है। अगर वही बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन के 700 सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। और मोस्ट प्रोबेबली यह चांस है कि इस स्मार्टफोन में वीवो के Z1 प्रो की तरह ही स्नैपड्रैगन के 712 का चिपसेट देखने को मिल जाए, जो कि लेटेस्ट चिपसेट है क्वालकॉम की तरफ से और बहुत ही पावरफुल चिपसेट है। अब बात करें बैटरी की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 3300 mAh की एक बैटरी देखने को मिलने वाली है, जो कि टाइप सी को सपोर्ट करेगी। और आपको यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जो कि क्विक 4.0 को सपोर्ट करता है। और साथ ही में हो सकता है कि स्मार्टफोन के बॉक्स में ही एक फास्ट चार्जर देखने को मिल जाए। बात करें इस स्मार्टफोन की एडिशनल फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको 3.5 mm ऑडियो जैक भी देखने को मिलने वाला है, जो कि MIUI 2 में देखने को हमें नहीं मिला था। बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इस स्मार्टफोन को एंड्रॉइड पाई के साथ लॉन्च किया जाएगा चाइना में, जो कि MIUI 10 के साथ आएगी। बट इस स्मार्टफोन को जब इंडिया में लॉन्च किया जाएगा दोस्तों, तो एंड्रॉइड क्यू के साथ लॉन्च किया जाएगा, जो कि स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आएगी। बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो इसकी जो प्राइसिंग होने वाली है वो रेडमी नोट 7 प्रो से अधिक और रेडमी K20 से कम रहने वाली है। मेरा मतलब है कि इन दोनों के बीच में ही रहने वाली है। मतलब इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग होने वाली है वो आपको 16,000 to 17,000 रुपीस तक देखने को मिल सकती है। और यह स्मार्टफोन कम्पीट करने वाली है मोटोरोला के वन विजन को, जो कि प्योर स्ट्रोक एंड्रॉइड वाला स्मार्टफोन है। फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के रिलीज डेट की, तो इस स्मार्टफोन की जो रिलीज डेट होने वाली है चाइना के अंदर वो अगले महीने होने वाली है। सो इस स्मार्टफोन की इंडिया में जो रिलीज डेट होने वाली है वो आपको उसके एक महीने बाद देखने को मिल सकती है, यानी इस स्मार्टफोन को इंडिया में अगस्त से सितंबर के महीने में लॉन्च की जाएगी। दोस्तों क्या आप इस स्मार्टफोन को लेकर बहुत ही एक्साइटेड है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो फाइनली दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करके हमें अपना सवाल या सुझाव दे सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ गुड डे।